और हमारी अगली खबर जो है वो बरेली से है। कब रुकेगा जबरन धर्मांतरण? तमाम मामले उत्तर प्रदेश से सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी कानपुर से एक मामला सामने आया जिसका जिक्र लगातार हम अपनी खबरों में करते हैं। दरअसल बरेली से एक बार फिर एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां एक बीए की छात्रा का अपहरण कर उसका जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया। छात्रा 5 अगस्त से लापता है और पुलिस को अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। वहीं दूसरी ओर अब छात्रों के परिजन पर भी धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जा रहा है और धर्म परिवर्तन नहीं करने पर गांव से निकालने की धमकी दी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। एसएसपी ऑफिस में रो रो कर मीडिया को आप बीती बताते ये वही बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनकी बेटी को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग अपहरण कर ले गए। छात्रा के माँ बाप ने बताया कि उनकी बेटी 5 अगस्त को कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई थी और वहीं से कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद एक रजिस्ट्री आई जिसमें बताया गया कि तुम्हारी लड़की का दरगाह आला हजरत पर धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है। छात्रा के माँ बाप का ये भी आरोप है कि आरोपी युवक के मिलने वालों ने उन्हें धमकी दी है कि अब तुम लोग भी इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मेरी लड़की मार्केट में साई में सौदा लेने गई थी, वहीं से अगवा करके ले गए हैं मुसलमान लोग और धर्म परिवर्तन करा दिया और FIR 5 तारीख को पुलिस ने नहीं लिखी, 6 तारीख को मुकदमा कायम हुआ है मेरा। फिर बताया गया है कि लड़की का धर्म परिवर्तन हो गया है, उसने CB गंज डाकखाने से रजिस्ट्री भेजी है थाने के लिए, हम लोगों को नहीं भेजी है, और कि हमने जब उसका धर्म परिवर्तन करा लिया, हमने इससे आला हजरत से निकाह कर लिया है, और हमको कल 10 तारीख में शाम को 11 बजे अतर भाई भूतपूर्व चेयरमैन के बेटे हैं बड़े, उन्होंने बुलाया और कहा कि अगर आप लड़की को भूल जाओ और लड़की को नहीं भूलोगे या तो पलायन कर जाओ, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जन बच्चा से हम खो देंगे। मेरी लड़की को अगवा कर लिया गया, किडनैप, घरेलू सामान लेने बाजार गई थी, हम थाने गए कि मेरी लड़की को अगवा कर लिया गया है, तो पहले तो मेरी रिपोर्ट ही नहीं लिखी, पुलिस मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 6 तारीख को मैंने मुकदमा लिखवाया था और अभी तक मेरी बेटी नहीं मिली है। वहीं इस मामले में शाही थाने में धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। SP ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि छात्रा की बरामदगी के लिए कई टीमें प्रयास कर रही हैं और जल्द ही छात्रा का पता लगा लिया जाएगा। थाना शाही में श्री आत्मानंद रस्तोगी जी ने अपनी पुत्री को कस्बे के ही 2 लोगों द्वारा अपहरण करने के संदर्भ में और एक अन्य अज्ञात के संदर्भ में थाना शाही पर 366, 354 व धर्म परिवर्तन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया है। इस संदर्भ में जो है एक पत्र भी हम लोगों को जरिए डाक प्राप्त हुआ है और उस पत्र से भी उनके परिवार वाले भी रूबरू हैं। अपहर्ता की बरामदगी के लिए हम लोगों ने 3 टीमें लगाई हैं, सर्विलांस टीम का भी हम लोग पूरा उपयोग कर रहे हैं, कुछ लोकेशंस भी हम लोग ट्रेस किए हैं, उन लोकेशंस पर भी हमारी टीमें गई हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं। सोचने वाली बात ये है कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में एक के बाद एक जबरन धर्मांतरण कराने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार अब कोई भी सख्त कार्रवाई अमल में लाएगी वो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो चाहे बरेली हो, कानपुर हो, मेरठ हो, तमाम धर्मांतरण की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, तमाम मामले सामने आ रहे हैं। बात तो की जाती है कि एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन एक्शन लेने के बावजूद भी इन दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बरेली में इस छात्रा का किडनैप किया गया, उसके बाद उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया है। मेरे सहयोगी पवन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, ये पूरा मामला कब का है और क्या छात्रा बरामद हो पाई है? जी, आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला थाना शाही क्षेत्र का है और 5 तारीख को BA की छात्रा अपने घर से कुछ सामान लेने बाहर गई थी, उसी बीच कुछ दबंग प्रकार के युवकों ने उसका अपहरण कर लिया और उसका धर्मांतरण करा दिया, और कुछ ही दिन में घर पर एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि आपकी बेटी का धर्मांतरण करा दिया गया है और आप लोग भी अपना धर्म परिवर्तन कर लें।
और धर्म परिवर्तन ना करने की स्थिति में उनको घर से पलायन करने की धमकी दी जा रही है। जी बिल्कुल पवन, पुलिस के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि धर्मांतरण की खबरें बरेली से लगातार सामने आ रही हैं, क्योंकि पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अगर जुलाई की बात की जाए और जून की बात की जाए तो तमाम मामले बरेली से सामने आए हैं। जी आपको बताना चाहूंगा, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और धर्मांतरण मामले के तहत एक मुकदमा थानाशाही क्षेत्र में कर लिया गया है, दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने अपनी टीमें लगाकर लड़की की तलाश जारी कर दी है। बिल्कुल पवन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बरेली का एक पूरा मामला है जहां पर अपहरण कर छात्रा का जबरन धर्मांतरण कराया गया है, जिसके बाद परिवार जो है वो लगातार थानों के चक्कर काट रहा है। इंसाफ कब मिलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण के मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में इन दबंगों पर कार्रवाई कब तक होती है ये देखने वाली बात है। तो बरेली का ये पूरा मामला है जहां पर एक छात्रा का अपहरण किया गया, उसके बाद उसका जबरन धर्मांतरण कराया गया है, जिसके बाद परिवार जो है उनको भी लगातार धमकियां मिल रही हैं।